गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर। जो हमने चैप्टर पढ़ा था लिंग, क्या पढ़ा था लिंग, उसके हम आज क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसके, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए सभी प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प छांटिए। क्या करना है इसमें, उचित विकल्प को छांटना है। क्या करना है, उचित विकल्प को इसमें से हमको छांटना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नित्य पुल्लिंग शब्द है, नित्य पुल्लिंग शब्द है मछली कोयल मक्खी पक्षी। तो इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नित्य पुल्लिंग कौन सा है, पक्षी कौन सा है, पक्षी। तो इसमें क्या आएगा, पक्षी। अगला क्या है, विदुषी का पुल्लिंग है, हमने क्या पढ़ा था विदुषी का पुल्लिंग, क्या पढ़ा था, ज्ञानी पढ़ा था या विद्वान पढ़ा था या मेधावी पढ़ा था या मूर्ख पढ़ा था, क्या पढ़ा था, विद्वान पढ़ा था। विद्वान क्या होता है, विदुषी का पुल्लिंग होता है। लड़का में लिंग है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग या नित्य पुल्लिंग। लड़का में कौन सा लिंग है, लड़का में पुल्लिंग है। कृष्णा में लिंग है, कृष्णा में लिंग है कौन सा है, कृष्णा में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। अगला क्या है, वृक्षों के नाम प्राय होते हैं, वृक्षों के नाम प्राय होते हैं पुल्लिंग, क्या होते हैं वृक्षों का नाम, पुल्लिंग होते हैं। अगला क्या है, अनुज का स्त्रीलिंग है, अनुज का स्त्रीलिंग है अनुज अनुजा। ओके, तो आपको क्या करना है, इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है। क्या करना है, अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न भी करने हैं। ओके, अगला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करें। इसमें क्या करना है हमको, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठाकुर का स्त्रीलिंग है, ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या है, ठकुराइन, क्या है, ठकुराइन। तो इसमें क्या आएगा, ठकुराइन। अगला क्या है, द्रव्य पदार्थ प्राय होते हैं, क्या होते हैं द्रव्य पदार्थ, पुल्लिंग, द्रव्य पदार्थ प्राय पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, क्या है, स्त्रीलिंग। मकड़ी का पुल्लिंग होगा, मकड़ी का पुल्लिंग क्या होगा, नर मकड़ी। अगला क्या है, उल्लू शब्द पुल्लिंग है, उल्लू शब्द, उल्लू शब्द नित्य पुल्लिंग नित्य है, क्या है, उल्लू शब्द पुल्लिंग नित्य है। अगला क्या है, हिंदी में लिंग स्वीकार किए गए हैं, कितने लिंग स्वीकार किए गए हैं, दो, कितने, दो। अगला क्या है, भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। वधु का पुल्लिंग होगा वर, इंद्र का स्त्रीलिंग शब्द इंद्राणी होगा, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री है। अगला क्या है क्वेश्चन,
सही गलत छाटिए, सही कथनों पे सही का तथा गलत कथनों पे गलत का निशान लगाना है। लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, क्या है ये? सही है। शेर चल रही है, तो शेर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो उसमें क्या आता है? रहा आता है। इसमें क्या दे रखा है? रही है दे रखा है, तो ये क्या है? गलत है। कुतिया भौंक रही है, सॉरी कुतिया भौंक रहा है, तो इसमें क्या दे रखा है? रहा है दे रखा है, इसमें आएगा क्या? रही है, तो ये क्या है? गलत है। नानी रामायण पढ़ रही है, ये क्या है? ये सही है। घोड़ी दौड़ रही है, ये भी क्या है? सही है। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको? सही कथन पे सही का निशान लगाना और गलत कथन पे गलत का निशान लगाना है। अगला क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में मोटे छपे शब्दों के लिंग बताइए। मछली जल में रहती है, तो मछली में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। मुर्गियां अंडे देती है, मुर्गियां में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। कछुआ चल रहा है, कछुआ में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय में लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। तो इसमें आपको क्या लिखने हैं? मोटे छपे अक्षरों के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। ओके, क्या लिखने हैं इनके? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों को लिंग परिवर्तन के बाद फिर से लिखो। लिंग परिवर्तन के बाद क्या करने हैं इनको? फिर से लिखने हैं। अध्यापक महोदय पढ़ा रहे हैं, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका लिंग चेंज करना है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका महोदया पढ़ा रही है। लेखक की पुस्तक राम के हाथ में है, लेखिका की पुस्तक राम के हाथ में है। इसकी पुस्तक है लेखिका की। राम ने प्राचीन कवियों की कविताओं पर भाषण दिया, राम ने प्राचीन कवित्रियों की कविताओं पर भाषण दिया। बंदर खाट पर नाच रहा है, बंदरिया खटिया पर नाच रही है। तो इसमें क्या किया हमने? लिंग परिवर्तन किया है। क्या किया है? लिंग में परिवर्तन किया है। तो आज आप क्या करोगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से स्पीक करोगे। क्या करोगे? इनको अच्छे से बार बार स्पीक करोगे इन क्वेश्चन आंसरों को, और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे और इस चैप्टर को अच्छे से समझोगे। क्या करोगे? इसको अच्छे से पढ़ोगे और इनको अच्छे से क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझोगे, और ये क्वेश्चन आंसरों को भी अच्छे से समझोगे और इस चैप्टर को भी अच्छे से समझोगे, और ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और इनको अच्छे से लर्न भी करोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।